मेरे वालों तो सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जेडे मेरे वीर वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडे मेरे वीर ने पहला वाली वीडियो अपनी देखी है जी, आप दो दिन पहला अपलोड की सी, चैनल में सबसक्राइब किया, उन्होंने सारे का तह तिलों धन्यवाद। तो अज की वीडियो बारे मैं तुम्हें दसा, अज की वीडियो अपनी कोकोपीट बारे होगी कि किमें अपने ट्रेन के भरने वास्ते जी कोकोपीट है तैयार करनी है। तो इस वीडियो के आप दिखाव कि जी आप उस दिन चार दिन पहला पनीरी बीजी सी अज आप किया की प्रोग्रेस है। तो तुम बने रहो सारे वीडियो के नाल। ये वीडियो दो पार्ट्स के आऊगी, एक पार्ट तो मैं अज अपलोड कर लग्या, तो एक पार्ट थोड़े दिन बाद फिर आऊगा क्योंकि वीडियो थोड़ी जी लंबी भी ज़्यादा हो जूगी, तो थोड़े दिनों का प्रोसैस भी है। तो देखते रहो वीडियो एंड तक, तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो जो पहली बार वीडियो देख लगे ने। आओ देखते दे आप वीडियो आप किमें तैयार की है कोकोपीट। लो जी देखो आने ब्रिक, ये ने अपने कोकोपीट के ब्रिक ने, ये पानी छड लिया, पानी छड के इन्हों रख देना। तो ये सारी रात एवें ही आप पानी के रखने ने, देखो ये फिर एवें वो हो जाएंगे भुरपरे जे हो जाएंगे, तो सवेर में यह सारा खिंड जाना पानी नाल चंगी तरह। फिर इनू आप कल सुकावे, वो भी सूँ वीडियो अगे दिखावे भी किमें आपने कोकोपीट तैयार करनी है ट्रेन च पाने वास्ते। ये देखो जी आप रात कोकोपीट ये भिओं के रखी सी पानी के जिहड़ियां ब्रिक्स सीगियां तुसीं देखियां ने वीडियो दे विच, इह पानी इत्थे तक भरिया होया सीगा, ते इहने सारा पानी सोक लिया। ते सोक के पानी मतलब कि जमा देखो आ हुण भुरभुरी बन गई। ते जे देखिए हुण आपां कहीए भी ज़्यादा सुकी होगी, ज़्यादा सुकी नहीं हैगी। जे आपां इहनूं नीचो पट्टीए तां नीचे काफ़ी ज़्यादा गिली हैगी हले भी। ते इहनूं कढ के अज आपां इहनूं धुप्प दे विच रखांगे, इदां ही निचोड़ निचोड़ के ता कि ये जड़ा मॉइस्चर आ जा पानी आ उड़ जाए, ता कि आप इनू छान सकी, क्योंकि ये ना जो तो सुकूगी आ तो देख सकते हो ये एवें बरादा जहा काफ़ी होंगे बुरा जहा है ना, ये क्ढना जरूरी होंगे क्योंकि ये ट्रेन सही तरीके नहीं भरिया जाए। फिर जे होगा बिच आ देखो जिमें आ देख रहे हो तुम आ हों है ना, तो करके अज आप दिन से धुप्प लवावे, तो कल आप ट्रेन भरा। तो ये पिछली वीडियो नालों कुछ नव ऐड करा, जो पिछली वीडियो कोकोपीट पा के ट्रेन च नहीं भरिया, वीडियो देखते रहो ता कि तुम्हें भी पता लग सके, तो बाकी प्रोग्रेस भी तुम्हें दिखाने अगे वीडियो भी जी आप बहुत पहला बीजी से की प्रोग्रेस है, देखते रहो तुम वीडियो अगे। लो जी अज चौथा दिन आ अपनी पौध बीजी नूं, तो जिवें कि तुम देख रहे हो यह पॉलीथीन जिहड़ा आपां उपर पाई सी टनल बनाई सी, यह अपना काम वधिया तरीके नाल कर रही है। तो इहदे विच अंदर मॉइस्चर इकट्ठा होया हो, गरमैस इकट्ठी हुई भी आ जिहड़ी कि अंदर का जिहड़ा टैंपरेचर उहनूं भी हाई रख रही है। जिवें तुसीं हुण देखो भी उपर मौसम पूरा खराब होया हो, पूरी ठंड पैंदी आ रात नूं, ते इह पॉलीथीन दा हुण इह फायदा एक तां कवर करके रख रहे हैं, अंदर का टैंपरेचर बना के रख रहा, तो जिहड़ा बाहरला टैंपरेचर उह वी इहनूं अफैक्ट नहीं करता, क्योंकि जो पौध छोटी हुंदी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਉ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਪੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। आ होगी जी पूरी तैयार अपनी कोकोपीट, इनू हुण आपां इहदे विच टब च पा के उधर पल्ली ते सुकावांगे, पल्ली ते पा के धुप्प च सुकाउणी आ, धुप्प हुण वधिया चढ़ गई, ते इहदे नीचे नीचे तां हले गिल्ली आ, आपां तां करके थोड़ी थोड़ी उपर उपरों चकांगे, उपर घट गिल्ली आ, देखो जमा भी पानी नहीं है इहदे विच, ठीक है नी। वैसे मॉइस्चर इन्ना के चाहिए हुंदा आम भी आपां नूं ट्रेन च पाउण नूं, पर आपां इक वार सुका के जदों ट्रेन भरांगे ते दुबारे पानी दा छिट्टा मार लांगे। लो जी आप इस तरह पल्ली के उपर बिछा लेनी है, तो पतली पतली जी करके, तो हूँ इनू सुका के सुकाने तो बाद देखो ये एवें जे रेशे ने बाद च कढ देंगे, क्योंकि जो सुकूगी ना भुरभुरी जी होजूगी जमा, फिर निकलेंगे ये, फिर आप ट्रेन च पाने तो पहले ये उपर पानी का छिट्टा जहा मार लेंगे। तो जिमें तुम देखो ये आ हाले भी पानी हैगा,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉੜ ਜੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੂਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਆਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਆ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਸੀਡ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 3-4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ, 4th ਦਿਨ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਨਾਲ, ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਧਰ ਮਨਵੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਆਪਣੀ ਕੋਕੋਪੀਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੰਡਿਆਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਧੁੱਪੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੂਗੀ ਸੁੱਕੂਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਿਓ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਇਸਚਰ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਢੱਕਤੀਆਂ ਟਰੇਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗਿੱਲਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੇਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਲੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਸ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਕੋਕੋਪੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਧੁੱਪ ਫਿਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੇਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।